हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बॉन्ड स्टेटस के बारे में। यू तो डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप से हमने जाना कि स्टेट की बॉन्ड स्टेटस क्या है, मतलब कौन कौन से स्टेट्स में कितने कितने साल की बॉन्ड लगती है और यदि आप उस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो फिर आपको कितनी पेनल्टी पे कर सकती है। मगर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बॉन्ड स्टेटस क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बॉन्ड स्टेटस को लेकर के कंफ्यूजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बॉन्ड है और कौन कौन से ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बॉन्ड नहीं है। जिन भी यूनिवर्सिटीज में, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बॉन्ड है, अगर वो बॉन्ड है तो वो कितने साल की है और उसकी पेनल्टी क्या है, और वो कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। जो मैंने यूनिवर्सिटीज को डिवाइड किया है वो स्टेट वाइज डिवीजन की गई है। एक स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में टोटल कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी क्या क्या बॉन्ड स्टेटस है, उसी तरीके से अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है और उनकी बॉन्ड स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र में किम्स कराड़ मुंबई जो है उसमें एक भी साल की बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड, बॉन्ड फ्री इंस्टीट्यूट है। तो इस कॉलेज में यदि आपको एडमिशन मिलती है तो आप बॉन्ड जो है वो उसे सर्व करने के लिए आप बाध्य नहीं होंगे। भारतीय विद्यापीठ पुणे में एक साल का बॉन्ड है, भारतीय विद्यापीठ सांगली में भी एक साल का बॉन्ड है, जेएलएन वर्धा में एक साल का बॉन्ड है और यदि आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो 5 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है। MGM औरंगाबाद में एक साल का बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। MGM मुंबई में एक साल की बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। DY पाटिल पुणे में एक साल की बॉन्ड है, 50 लाख की पेनल्टी है। DY पाटिल कोल्हापुर में एक साल का बॉन्ड है और 20 लाख की पेनल्टी है। DY पाटिल नवी मुंबई में एक साल का बॉन्ड है और 50 लाख की पेनल्टी है। परापरा पिम्स लोनी में एक साल का बॉन्ड है और 5 लाख की पेनल्टी है। तो महाराष्ट्र में अगर देखें तो सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि बॉन्ड फ्री है, वो है कि कृष्णा कराड़, किम्स कराड़ मुंबई, जो बॉन्ड फ्री है। बाकी के जितने भी यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बताए उसमें एक एक साल की बॉन्ड है और अलग अलग 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक की पेनल्टी है। अब आते हैं केरला। केरला में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और वो बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है। अगर आपको अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची में एडमिशन मिलती है तो आप बॉन्ड सर्व करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। आते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में सम्स हॉस्पिटल और कलिंगा, ये दो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि उड़ीसा में है। सम हॉस्पिटल और कलिंगा ये दोनों के दोनों ही बॉन्ड फ्री हैं। इन दोनों यूनिवर्सिटी में एक भी साल की बॉन्ड नहीं है। हरियाणा पे आते हैं तो हरियाणा में एक कॉलेज है MM मुलाना जो कि अम्बाला में है। MM मुलाना इंस्टीट्यूट में एक साल की बॉन्ड है और 5 लाख की पेनल्टी है, 5 लाख की पेनल्टी। गुजरात में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है SBKS वडोदरा, इसमें भी एक साल की बॉन्ड है और 10 लाख की पेनल्टी है। कर्नाटका जब आते हैं तो कर्नाटका में आप जानेंगे कि मोस्ट ऑफ दी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो बॉन्ड फ्री हैं। देख लेते हैं कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं कर्नाटका में। सबसे पहले KMC मणिपाल, नो बॉन्ड, बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है, एक साल की भी बॉन्ड इसमें नहीं है। KMC मैंगलोर का भी सेम स्टेटस है, नो बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी। JSS मैसूर, बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी, नो बॉन्ड। KLE बेलगावी, नो बॉन्ड। SDU कोलार में एक साल की जो है वो बॉन्ड है SDU कोलार में। फिर अगर आप KS हेगड़े मैंगलोर को देखें तो वो भी बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है, नो बॉन्ड, उसमें भी बॉन्ड अप्लाई नहीं होती है। येनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, नो बॉन्ड। श्री सिद्धार्था SSMC टुमकुर, नो बॉन्ड। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप श्री सिद्धार्था SSMC टुमकुर की बात करते हैं तो वो बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी तो है बट उसमें बैंक गारंटी मांगी जाती है। अब आगे अगर कुछ चेंजेस आते हैं बैंक गारंटी को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश भी आए हैं कि आप बैंक गारंटी नहीं ले सकते, तो इसे लेकर के अगर आगे कुछ और चेंजेस आते हैं, अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है वो SSMC टुमकुर को लेकर के कि उनसे स्टूडेंट से बैंक गारंटी ली जाती है दोनों साल की, जो आखिरी 2 साल होते हैं दोनों साल की बैंक गारंटी ली जाती है। मगर इसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगली
डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कर्नाटका में है वो है BLDE बीजापुर, BM पाटिल, ये भी बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। अब आते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में MGMRI पॉन्डिचेरी 1 साल की बॉन्ड है, चेतिनाड मेडिकल कॉलेज चेन्नई बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है, आपको इसके लिए कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई 1 साल की बॉन्ड है और 10 लाख की पेनल्टी है। विनायका मिशन सेलम बॉन्ड फ्री, नो बॉन्ड। सत्य साई पॉन्डिचेरी में 1 साल की बॉन्ड है। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में नो बॉन्ड, बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है। विनायका मिशन कराईकल नो बॉन्ड, बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है। अरुपड़ा मेडिकल कॉलेज पॉन्डिचेरी नो बॉन्ड, बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है। लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज पॉन्डिचेरी नो बॉन्ड, बॉन्ड फ्री यूनिवर्सिटी है। तो मोस्ट ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हमने देखा जो बॉन्ड फ्री है, जिसमें आपको 1 साल की भी जो सर्विस है वो देनी जरूरी नहीं है, वो मोस्ट ऑफ दी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कर्नाटका में आते हैं और दूसरी तमिलनाडु में आते हैं। हालांकि अगर आप तमिलनाडु के जो कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी फीस की बात करोगे तो फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बट वैसे पेरेंट्स और वैसे स्टूडेंट्स जो 3 साल की पढ़ाई MDMS की सदर्न पार्ट से करना चाहते हैं या कर सकते हैं और मगर वो बॉन्ड को लेकर के चिंतित हैं, तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज की इन कॉलेजेस में, जो बॉन्ड फ्री डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, इन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो तो आपको बॉन्ड सर्व करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो मैंने आपको बताए वो बॉन्ड फ्री डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, जो एक अच्छी बात है आप सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और एक बात मैं आपसे शेयर कर देना चाहता हूं कि जैसा मैंने अपने हैदराबाद सेमिनार जनरल मीटिंग के बारे में आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हैदराबाद में करियर मीडिया की टीम 22nd और 23rd को जनरल मीटिंग करने वाली है, काइंड ऑफ सेमिनार करने वाली है, जिसमें आप यदि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से आते हैं या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, फॉर एग्जांपल केरला भी हो सकता है, कर्नाटका भी हो सकता है, तो जिस भी स्टेट से, या महाराष्ट्र भी हो सकता है, अगर उन सभी स्टेट्स में से आप आते हैं और आप करियर मीडिया से मिलना चाहते हैं, करियर मीडिया की टीम से मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर हम करियर मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सभी चीज के लिए आप आ सकते हैं। 22 और 23 तारीख को हमने ये जनरल मीटिंग मीटिंग जिसे हमने काइंड ऑफ सेमिनार जो है वो बताया है, आप आकर के 1-to-1 कम्युनिकेशन हमसे कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेरीज को हमारे द्वारा क्लियर की जाएंगी, और इसके लिए आपको कमिटी बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को भरना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो हमारे पास भी उन लोगों से मिलने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस रहती है, तो आप अगर मिलना चाहते हैं तो आप 22 और 23 तारीख को आ सकते हैं। वेन्यू जो है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी तक वेन्यू जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया गया है, वेन्यू जो है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर हूंगा, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर।